गुड मॉर्निंग बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वर्कशीट नंबर 52 विज्ञान क्लास 9। इससे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। उत्तक ही पढ़ने जा रहे हैं, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो क्या होते हैं। ये उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधराती में धंसी होती है, उन्हें संयोजी कोशिक उत्तक कहते हैं। कोशिकाएं आपस में तो कम जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन अंतर कोशीय आधात्री में धंसी होती है। अंदर की तरफ जो है रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट की बात हो रही है कि जो कनेक्ट करते हैं। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं बच्चों, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। ठीक है, आधात्री कभी कभी जेली की तरह होती है और कभी तरल पदार्थ होती है। जेली जानते हैं ना, जेली जेली आपने कभी देखी होगी, इसे बोलते हैं जेली वाले टॉफी है या कुछ ऐसा है, कुछ होता है। और कभी तरल होता है, कभी सघन होती है, कभी कठोर होती है। तो आधात्री की प्रकृति प्रकृति जो है विभिन्न संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। तो संयोजी उत्तक के यहाँ पे बता रखे हैं कितने प्रकार हैं, तो आप लोग जान गए होंगे संयोजी उत्तक क्या होते हैं। जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई हैं और वो आधात्री में धंसी होती हैं। तो संयोजी उत्तक हमने बता दिया दो भाग है। ये दो भाग में कोशिका तो पता ही है आपको क्या होता है, अंतर कोशिकीय आधात्री बता रहा है क्या होती है। कभी जेली की तरह होगी, कभी तरल होगी, कभी सघन होगी, कभी कठोर होगी। अब संयोजी उत्तक के प्रकार, ये सारे प्रकार देखिए, रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, अलियोर, वसामय। नाम है, थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। रक्त तो आपको पता ही है, रक्त क्या है, एक तरल आधात्री। आधात्री के टाइप में कौन सा आधात्री है, ये तरल है। आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, रक्त का जो तरल आधात्री भाग है ना उसे प्लाज्मा कहते हैं। और तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अंदर आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स का प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो ये है जी तरल आधात्री प्लाज्मा, जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं और स्वतंत्र रूप से निलंबित रहते हैं। निलंबित मतलब सस्पेंड रहते हैं। देखिए कहीं 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 इस तरह से आप देख रहे हैं, सस्पेंड है फिगर में। ठीक है, यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पचा हुआ भोजन, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन यानी भेजते हैं। यह रक्त का काम है, रक्त के द्वारा ही सब चीजें इधर से उधर जाती हैं। ठीक है, अब आता है अस्थि। अस्थि मजबूत और कठोर उत्तक है ये। ठीक है, मजबूत और कठोर आया था ना। इसकी आधात्री कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कठोर होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती है, यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। आप ये देखिए अस्थि काट का चित्र, कोई भी एक अस्थि ले लीजिए, ठीक है, हड्डी, मांसपेशी और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देते हैं ये। अगर ये नहीं होगा तो समझ लीजिए शरीर तो बिल्कुल जैसे कोई दीवार गिर जाती है उस तरह से गिर जाएगा। सपोर्ट देते हैं शरीर को, बहुत जरूरी है सपोर्ट देना, तो अस्थि ही देती है। उपास्थि, उपास्थि क्या होता है, इसकी ठोस आधात्री, ये ठोस क्यों है, शक्कर शर्करा और प्रोटीन से बनी होती है, जिसकी वजह से मजबूत होती है, लचीली उत्तक होती है। शर्करा और प्रोटीन होगा ना साथ में, और इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। देखिए नाक, कान, कंठ, श्वास नली में ये उपास्थि होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ों में उपास्थि होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाकर यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर चिकना नहीं होगा, चिकनाई नहीं होगी, तो कट 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 की आवाज आएगी, तो दिक्कत होगी ना, है ना।
अस्थियों के बीच में, हड्डियों के बीच में कटकट की आवाज आएगी, तो ये उनको चिकना बनाते ताकि स्मूथली चल सकें। स्नायु एवं कंडरा, ये रेशेदार ऊतक है, आप ये देखिए दिखा रहा है आपको फिगर में। स्नायु एवं कंडरा रेशेदार ऊतक है, स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है, यह बहुत लचीला और मजबूत ऊतक होता है, ठीक है, जो दो उपास्थियों को आपस में जोड़ता है। और कंडरा मजबूत तो होता है, कम लचीला होता है, यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये जो मांसपेशियां हैं उनको अस्थियों से जोड़ता है कंडरा। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अस्थि है, ये अस्थि इसको जोड़ रहा है, और ये यहाँ पे लचीला पदार्थ स्नायु है, ये कंडरा है, ठीक है। अरी ओलर उत्तक, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, जहां भी खाली जगह, जैसे ये है दिखा रखा, देखिए आंतरिक अंगों को सहारा देता है, और त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मस्तिष्क में भी पाया जाता है, जो रक्त नलिका है उसके चारों तरफ भी ये पाया जाता है, ठीक है। अलियोर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वसामय उत्तक, वसामय उत्तक क्या है, यह शरीर में वसा का संग्रह करता है, यानी फैट को स्टोर करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं, गोल गोल गोलिकाएं, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मा के कुचालक का कारण कार्य करता है, यानी बॉडी में जब फैट होता है तो उतनी ही ऊष्मा बाहर नहीं जाती, बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है और बाहर की ठंड भी कम लगती है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। संयोजी उत्तक क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। कोई भी उदाहरण आप लोग ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो चलिए हम लोग समझाते हैं। संयोजी ऊतक आप बताओगे, वे ऊतक कोशिकाएं जो आपस में कम जुड़ी होती है, जिनके बीच में ये है, ये सब बता देंगे। एक उदाहरण के साथ सुनाना, रखते हैं। संयोजी ऊतक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक, ठीक है। अच्छा, उदाहरण बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही बता देंगे, रक्त का कुछ भी बता दीजिए, रक्त पूछा है ना, तो रक्त के बारे में आप ये बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिख सकते हैं, अगर आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्नायु एवं कंडरा के क्या कार्य हैं? तो स्नायु देखिए बहुत ही दो उपास्थियों के बीच में होते हैं, आपस में जोड़ते हैं, स्नायु और कंडरा की बात हो रही है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। तो स्नायु कंडरा क्या करते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले स्नायु की बात है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं, और कंडरा मजबूत कम लचीला होता है, ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, हेडिंग डाल के करेंगे हम लोग, सब कुछ इसी में है बेटा। क्वेश्चन 3, अरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? अरियोलर उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो आप ये बताओगे कि अरियोलर उत्तक की बात हो रही है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 3, यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है, और उपास्थि कहाँ पाई जाती है, यह नाक कंठ श्वास नली में उपस्थित होती है, तो यह है उपास्थि का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना। आगे क्या लिखा है, एक तरल आधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम और उसके कार्य लिखे। तरल आधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम तो आप लिख सकते हैं, रक्त वाला ही लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही आंसर आप लोग लिख सकते हैं, रक्त वाला, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी हो जाती है। होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।